तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहा आंदोलन मंगलवार को 83वें दिन पर प्रवेश कर गया है। इस बीच बहुत से किसान अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। एक महीने पहले की संख्या से मुकाबला कर रहे तो अब आधी ही संख्या आंदोलन स्थल पर बची हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यह आंदोलन अब धीमा पड़ रहा है। हालांकि इसके जवाब में किसान नेताओं का कहना है कि यह पहले से पता है कि लंबी लड़ाई होगी। सीमाओं पर कम भीड़ होना उनकी नई रणनीति का हिस्सा है। आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने देश भर में महापंचायतों की योजना बनाई है। वह अगले 10 दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस तरह की बैठकों में भाग ले सकते हैं। कोई भी विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीते साल नवंबर में ही सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। किसानों ने 3 कानून को 18 महीने तक सस्पेंड करने, सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जबकि बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि यह प्रस्ताव अब भी बरकरार है। विरोध करने वाले किसान राकेश ने कहा, अगर 10 लाख लोग यह इकट्ठा होते हैं तो क्या सरकार इन कानूनों को वापस लेंगी? हम पूरे देश में विरोध करेंगे। सभी जिलों में हमारे लोग फैल रहे हैं, बैठक हो रही है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार गाजीपुर प्रोटेस्ट कमेटी ने प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा, सबसे पहले आंदोलन सरकार की जीत को ध्यान में रखते हुए सीमाओं पर केंद्रीकृत किया गया है। उन्होंने कहा, किसान नेता अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं ताकि विरोध हर गांव के हर घर तक पहुंचा जा सके। हम विभिन्न स्थानों पर महापंचायत कर रहे हैं। किसान नेताओं का यह भी दावा है कि किसान को कम समय के भीतर सीमाओं पर पहुंचने के लिए हमेशा उपलब्ध है। बाजवा ने कहा, जब भी गाजीपुर की सीमा पर हमें संख्या बल की जरूरत होगी, एक दिन के भीतर 1 लाख लोग आ सकते हैं।